नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अबुझ पहेली बनते जा रहे हैं, न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि हमारे और आपके लिए भी। तेज प्रताप यादव अक्सर स्टैंड लेते हैं, उस स्टैंड से पीछे हटते हैं, यानी कि तेज प्रताप यादव कह सकते हैं बिहार की राजनीति के यू टर्न मास्टर हो गए हैं, और कई मायनों में उन माहिर राजनीतिज्ञों से भी ज़्यादा यू टर्न लेते हैं जो माहिर माने जाते हैं यू टर्न लेने में। तो तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर यू टर्न लिया है, या फिर यह सवाल गहरा गया है कि क्या वाकई तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपनी लड़ाई को जो खुला विद्रोह छेड़ रखा है, उन्होंने अपनी पार्टी और अपने परिवार के खिलाफ उसको महाभारत जैसा युद्ध बता दिया था, और लगातार ट्वीट कर रहे थे दुर्योधन, वह भी दे न सका रश्मि रथी की लाइनें ट्वीट कर रहे थे, और पता नहीं इस लड़ाई में कौन सा वो व्यक्ति है जिसको दुर्योधन बता रहे थे तेज प्रताप यादव। हालांकि अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर हमलावर रहते हैं और बाजाब्ता नाम लेकर हमला किया है तेज प्रताप यादव ने कई बार अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, लेकिन अब तेज प्रताप यादव जिन्होंने महाभारत बताया इस लड़ाई को और महाभारत की तरह का युद्ध बता दिया इस विद्रोह को, इस लड़ाई को, इस बगावत को, अब एक बार फिर उन्होंने संभवतः यू टर्न ले लिया है, या शायद यू टर्न ले लिया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने एक ताजा ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि महाभारत भीषण युद्ध था और दोबारा महाभारत नहीं होगा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से करोड़ों योद्धा मारे गए थे। यह संसार का सबसे भीषण युद्ध था, उससे पहले न तो कभी ऐसा युद्ध हुआ था और न ही भविष्य में ऐसा कोई युद्ध होने की संभावना है। तो तेज प्रताप यादव क्या नरम पड़ गए हैं, यह सवाल इसलिए है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने यह ट्वीट किया है जिस लड़ाई को उन्होंने महाभारत की तरह बताया, अब ट्वीट करके कह रहे हैं कि महाभारत जैसा युद्ध दोबारा नहीं हो सकता। अंदर खाने से यह खबर भी आती रही है कि तेज प्रताप यादव को मनाने की कोशिशें जारी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विद्रोह छेड़ रखा है और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने पसंद के उम्मीदवारों को लड़ाने का ऐलान कर रखा है, उससे पार्टी को नुकसान होगा, परिवार को नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा, उनकी राजनीतिक राह मुश्किल होगी। तो संभवतः उनको मनाने रुटने मनाने का सिलसिला चलता रहा है और तेज प्रताप यादव को मनाने की कोशिशें भी लगातार चलती रही है। शायद यही वजह है कि तेज प्रताप यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैंसिल किया, तो इसी रूठने मनाने की कड़ी में उसको देखा जा सकता है। और अब तेज प्रताप यादव ने यह ट्वीट कर दिया है कि महाभारत जैसा युद्ध दोबारा नहीं होगा। तो सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप यादव नरम पड़ गए हैं। देखना होगा तेज प्रताप यादव क्या वाकई नरम पड़ गए हैं, उनका मिजाज वाकई ठंडा हुआ है, या फिर कोई और बात है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।